एवरीवन, मैंने भी एक कभी जॉब की थी तो मुझे याद है ऐसे बोला जाता था कि यू कैन एन्जॉय व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग, तो अभी मुझे एकदम याद आ गया कि यू कैन डांस व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग. नॉस्टैल्जिया. ओके, सो एज वी आर सेलिब्रेटिंग लव, तो हम सबको आइडिया ऑफ लव कभी ना कभी स्ट्राइक किया होता है ना. एक पहली बार हमें पता चलता है कि ओ ये होता है प्यार. तो ऐसा आप लोगों के साथ कभी ऐसे हुआ है? मैम आपका क्या एक्सपीरियंस था पहली बार जब ऐसे पता चला? अच्छा हाँ नहीं, अच्छा मुझे मत बुलाओ, कोई भी बताना चाहेगा? हाँ हाँ सर आप बताओ. पहली बार कब हुआ? पहली बार. हाँ अच्छा. कि ऐसा दिखता है प्यार. अरे बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट. ये पिक्चर जो होती है ना यही हमें सिखाती है कि ये ऐसे होता है. तो ऐसी मेरे पास भी एक कहानी है वो सुनाते हो. एक्चुअली मैं लिख तो लेती हूँ बट आई एम नॉट गुड विथ टाइटल्स, जिसके उसमें मैं ऐसे बोल देती हूँ कि शायद शेक्सपियर से मेरा कुछ लेना देना था क्योंकि ही वॉज ऑल्सो नॉट गुड विथ टाइटल्स. ओके तो कहानी सुनाते. इट गोज लाइक, बचपन में हमारे घर में जब भी कोई नई चीज़ आती थी ना तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं रहती थी. जैसे जब पहली बार लैंडलाइन आने वाला था तो 100 बार मम्मी से पूछ लिया करती थी कि मम्मी कब आएगा. पूरा दिन मेरे कान डोरबेल पर लगे रहते थे कि कभी भी आ सकता है और जब भी आएगा सबसे पहले मुझे ही देखना है. और जब लैंडलाइन आ गया तो मैं रिसीवर उठाकर भगवान से बात किया करती थी और उनसे पूछा करती थी कि आपका रियल नंबर क्या है. लेकिन जब टीवी आने वाला था ना हमारे घर में तब मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि एक इतनी बड़ी चीज़ जिसे इतनी दूर बैठकर छोटे से रिमोट से चलाया जा सकता है मुझसे तो खराब हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि दूर ही रहो. लेकिन इस बार अलग था. इस बार मम्मी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. जैसे ही हमारे घर में टीवी आया उस दिन घर में सारे काम जल्दी जल्दी हो गए, खाना भी जल्दी बन गया. पहली बार हम सब ने इकट्ठे बैठ के खाना खाया. वो शाम पहली ऐसी शाम थी जब सब सारे साथ बैठे थे फिर भी किसी ने ये नहीं बोला कि आज फिर कद्दू. मम्मी जैसे ही कमरे में आई और उन्होंने अपनी प्लेट रखी उन्होंने रिमोट को ऐसे हड़पा जैसे घर की बहू ने चाबियों का गुच्छा और वो चैनल बदलने लगी. आगे पीछे नेक्स्ट 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 और फिर एक जगह जाकर रुक गई जहां उन्हें दिखाई दी गदर. अब टीवी चला के मम्मी पापा तो आपस में कुछ बात करने लग गए लेकिन वो मूवी देखते देखते मुझे एहसास हुआ कि अच्छा ऐसे होता है प्यार कि प्यार के लिए आप ट्रक भी चला सकते हो, दुनिया से भी लड़ सकते हो और अपने प्यार को आप सिर चढ़ा कर रखते हो. मुझे भी करना है यार ऐसे वाला प्यार. तो मुझे लगा कि बस ठीक तो है, पूरी कहानी में यही होगा, तारा सिंह और सकीना साथ में रहेंगे और फिर बस वो साथ साथ खुश रहेंगे. अब इस मोमेंट का इंतज़ार करते हुए मैंने पूरी मूवी देख ली और जब मूवी में सकीना का बेटा उड़ जा काले कावा तेरे गाने ही लगा था तभी मेरे गाल पर एक पानी की बूंद गिरी और मैंने माँ के सिर से जब सिर उठाकर देखा माँ की गोद से जब सिर उठाकर देखा तो एहसास हुआ कि माँ रो रही थी. अब मैंने पहले मम्मी की तरफ देखा फिर मैंने टीवी को देखा. ये सच में हो रहा है क्या? क्योंकि इनको देख के तो लग रहा है कि ये सच में हो रहा है. तो बस अब ये सवाल मेरे साथ रह गया. अब आप लोग सोचेंगे कि सवालों का क्या है, ये तो आते जाते रहते हैं, आज एक आया कल को दूसरा आ जाएगा. सही बात है लेकिन इस सवाल के साथ ऐसा नहीं था.
जहां पर भी टीवी चलता दिखाई देता ये सवाल धम करके मेरे सामने आके खड़ा हो जाता। अब पहले तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं खुद इसका जवाब ढूंढूंगी। लेकिन जब बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने सोचा कि अब आउट ऑफ डेस्परेशन मम्मी से पूछ ही लेती हूँ। लेकिन तभी ख्याल आया कि नहीं, इनको लगेगा मैं ज़्यादा टीवी देखने लग गई हूँ और ये केबल कट करवा देंगे, तो नहीं, बैड आइडिया। तो क्या कर सकते हैं, टीचर से पूछ लेती हूँ, क्योंकि टीचर को तो सब कुछ पता होता है ना और वो सब बता सकती है। लेकिन अगर पीटीएम पे उन्होंने फिर मम्मी को बोल दिया तो छितर पड़ेंगे, तो नो। अब इसमें मैंने वो किया जो मैं अक्सर अपने बनाए हुए सवालों में उलझने के बाद किया करती हूँ, मैंने खुद को एक बहुत ही फैंसी सा रिलेटेबल जवाब बनाकर दे दिया कि अरे पता क्या होता है कि पूरी दुनिया में ना कैमरास फिट हैं और वो छुपा रखे हैं और किसी को नहीं पता वो कैमरास कहाँ पर हैं, कोई नहीं देख सकता उन्हें। वो कैमरास तुम्हारी पूरी ज़िंदगी रिकॉर्ड करते हैं और कभी भी टीवी पे चला देते हैं। क्योंकि अब मुझे बताओ कि अगर किसी को पता होता कि वो कैमरास कहाँ पर हैं तो कोई शाकाल थोड़ी ना बनना चाहता, हम सब तो शक्तिमान बनना चाहते हैं ना। तो बस परफेक्ट सा जवाब मेरी परफेक्ट सी लाइफ में फिट हो गया। यही प्रॉब्लम थी। अब ये जवाब जो सिर्फ कुछ शब्द बनकर रहना चाहिए था, ये मेरी ज़िंदगी डिफाइन करने लगा था। मैं अपनी लाइफ में हर चीज़ वैसे करने लगी थी जैसे टीवी में दिखाया जाता था कि कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, किससे नहीं मिलना है, किस जगह जाना है, किस जगह नहीं जाना है, सब कुछ एकदम परफेक्ट। कभी कभी तो मैं ये भी सोच लिया करती थी कि मेरा शो टीवी पे कब आएगा, और फिर खुद को ही कह देती थी कि कभी भी आ सकता है, और टीवी रेडी होने चले जाया करती थी। सब कुछ एकदम सही से चल रहा था। हर गर्मियों की छुट्टियों में मैं मासी के घर जाती हूँ, इस साल भी गई। इस साल जब मासी के घर गई तो शाम को घर में कोई था नहीं, बालकनी में दीदी और उनके बेस्ट फ्रेंड कुछ बात कर रहे थे, तो लेफ्ट आउट ना फील करूं इसलिए मैं भी बालकनी में जाने लगी। और जब मैं बालकनी में जा रही थी तो मेरी स्कर्ट थोड़ी भींगी टेढ़ी हो रखी थी, तो कैमरा से बचते हुए मैंने उसको ठीक किया और दीदी के साइड में जाके खड़ी हो गई। अब मैं इस मोमेंट का वेट कर रही थी कि कब कोई ऐसी बात हो और उनकी कन्वर्सेशन में मैं स्टेप इन कर जाऊं। तभी मुझे सुनाई दिया कि दीदी की फ्रेंड ने बोला कि अरे तुझे पता चला वो कौन है, वो DDLJ वाली, अरे जो भी है, वो लक्ष्मी नगर आ रही है किसी मूवी की शूटिंग के लिए। और उसी टाइम मेरे मुंह से निकल गया कि तो सिमरन को पता है कैमरास कहाँ है। अब उन दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर उन्होंने बोला मतलब, और जो राज मेरे साथ सालों से था मैंने झट से उनके सामने उगल दिया। अब ये सुनकर पहले तो वो जोर जोर से हंसने लगे, कहते अच्छा एक बार फिर बताना। मैंने कहा तो ऐसे ही तो होता है ना कि कैमराज लगे होते हैं, किसी को दिखाई थोड़ी देते हैं, तो वो करके तो वो बोलते फिर वो फिर से हंसने लगे। लेकिन इस बार मुझे अच्छा सा नहीं लगा। उन दोनों दीदियों ने मेरी तरफ देखा और कुछ सवाल पूछने लगे, कहते अच्छा मान ली तेरी बात, तो एक बात बता, तुझे कभी ये नहीं लगा कि उस मूवी में वो मर गया था, इस मूवी में वो आ गया, कैसे? भगवान दीदी कितना सिंपल है ये, तो मीर भी तो कितनी बार मरा ना, आ तो गया वो भी। ठीक है, तो तुझे कभी ये नहीं लगा कि उस मूवी में वो उसका भाई था, इस मूवी में उसका पति है, कैसे? देखो दीदी करम है उसके, अब हम थोड़ी हैं कोई बोलने वाले। ठीक है, तो मतलब शक्तिमान असली है। लाइक दीदी इज दिस इवन अ क्वेश्चन? ऑब्वियसली यस। और ये सब सुनने के बाद जब दीदी ने मुझे
लाइट कैमरा एक्शन वाली दुनिया से रूबरू कराया, तो मेरी लाइफ में वो छुपे हुए कैमराज धीरे धीरे बंद होने लगे और मेरी रंग बिरंगी सी दुनिया एकदम ब्लैक एंड वाइट हो गई। एक पल को तो मुझे लगा कि मतलब ठीक तो है, अब तो मैं कुछ भी हो सकती हूँ ना, अब मुझे टीवी वाले जैसे थोड़ी होना है। लेकिन तभी तो दूसरे ही पल याद आया कि मुझे तो पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैं वो बन रही थी ना जैसे तुम एक्सेप्ट कर सको। मैं कौन हूँ? नो क्लू। तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरी लव स्टोरीज में कभी लड़का बाएं फैलाकर मेरी तरफ भागता हुआ नहीं आया। तभी शायद मेरी लव स्टोरी में कभी ऊर्जा काले कावा था ही नहीं। शायद तभी जब भी मेरा मूड खराब होता था तो वो मेरे लिए गाना गाने की बजाय चुपचाप नूडल्स ले आया करता था। तब मुझे एहसास हुआ कि शायद प्यार ऐसा ही होता हो, बिल्कुल बोरिंग, सड़ू, अनरिलेटेबल सा, अनबेरेबल सा, लाइक व्हाट इफ वी एक्चुअली फॉल इन लव व्हेन वी फेल आउट ऑफ इट। थैंक यू।